सर्दियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर डिश है सरसों का साग और मक्की की रोटी। ये काफी हेल्दी होता है खाने में क्योंकि इसे बनाने के लिए काफी सारी हरी सब्जियों का यूज किया जाता है। और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका साग बनाने का बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गुच्छी मैंने सरसों ली है, सरसों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब कौन सी सरसों लेनी है, मोटे डंठल वाली सरसों का आपने यूज करना है। अगर आपको लगता है इसके जो डंठल है वो हार्ड है तो आपने इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिलका उतार देना है, ये देखिए इस तरह से। और जितने मोटे डंठल ना उतना ही बढ़िया आपका साग बनके तैयार होगा। तो इस तरह से आप डंठल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिलका उतार दीजिए। अगर सॉफ्ट डंठल है तो आप डायरेक्ट इनको काट सकते हैं चाकू की सहायता से। अब इसके बाद साग की जल्दी कटिंग के लिए आपने क्या करना है, जो पत्ते हैं उनको आपने देखिए अलग कर देना है और जो डंठल है ना उनको आपने अलग कर देना है इस तरह से। तो जो पत्ते के अंदर डंठल है ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है तो इनको अलग से रख देते हैं। और जो डंठल है अगर आपको लगता है इनमें थोड़े हार्ड डंठल है तो जैसे मैंने आपको पहले स्टेप बताया ना उसी तरह से आपने इनका छिलका उतार देना है। देखिए सारे डंठल मैंने साफ लिए। और इसके साथ में आपको एक गुच्छी पालक भी चाहिए होगी, उसको भी आपने अच्छी तरह धो लेना है। एक गुच्छी हम यहाँ पे सोया साग का यूज करेंगे, पौधे चा फ्लेवर आएगा इससे। और एक से दो गुच्छी आप इसमें बाथू डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसमें मेथी का यूज भी कर रहा हूँ, ये देखिए मेथी को मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया है। आप ये देखिए कटिंग कैसे करनी है, जो डंठल है सबसे पहले आप इनको पकड़िए और इस तरह से आप इनको बारीक काट लीजिए। जितना बारीक आप कटिंग कर सकते हैं उतनी बारीक आपने कटिंग कर लेनी है, तभी ये जो डंठल है ना बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और बहुत ही जल्दी पक भी जाते हैं और इनके रेशे भी नहीं बनते हैं। और ये जो सरसों के पत्ते मैंने अलग से रखे थे उनको भी आपने इसी तरह से काट लेना है। और एक बार अच्छी तरह से अपने साग को ना पहले धो लेना है ताकि इसमें मिट्टी रेत वगैरह ना रहे, ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ में जो पालक था उसको भी आपने अच्छे से धो के काट लेना है। पालक थोड़ा मोटा भी काटेंगे ना तो भी ये जल्दी पक जाता है, तो पालक को आप मोटी कटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि साग को जब हम घोटते हैं तो पालक की अच्छी तरह से प्यूरी बन जाती है साग में। और इसके साथ में जो मैंने बथुआ लिया था ना, अगर आपको लगता है इसके डंठल हार्ड है तो आप इसके पत्ते पत्ते छांट लीजिए, उनको काट लीजिए। अभी फ्रेश बथुआ चला है मार्केट में तो ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए मैंने इसको डंठल के साथ ही काट दिया है। लास्ट में जड़ के साथ थोड़े से हार्ड डंठल होते हैं तो उनका यूज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके ना रेशे बन जाते हैं और हार्ड रहते हैं वो। और ये रहा सोया साग, बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर आता है साग में। अगर आपको मार्केट में मिलता है तो थोड़ा सा सोया साग भी जरूर डालें आप साग में। और के देखिए इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही काट रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो सारी सब्जियों की मैंने कटिंग कर ली है सबसे पहले, ये देखिए। और सारी सब्जियों को मैंने कटिंग करने से पहले अच्छी तरह से धो भी लिया था। अब हम साग को बॉईल करेंगे, तो बॉईल कैसे करना है, वैसे तो पंजाब में 2 से 2.5 घंटे तक हांडी में डाल के साग को पकाया जाता है बट घर में इतना टाइम नहीं होता है तो हम इसको कुकर में बॉईल करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कुकर में ना साग को डाल देना है। अगर पूरा साग एक बार में आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं आता है आपका पूरा साग एक बार में कुकर में तो आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखिए आधा साग मैंने डाल दिया है। इसके साथ में 2 बड़े चम्मच मैंने चना दाल के भिगो के रखे थे, इससे साग में अच्छी बाइंडिंग आएगी। आप चना दाल की जगह 2 चम्मच चावल का यूज भी कर सकते हैं। और इसके साथ में पानी ऐड करेंगे, तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी का यूज आपने कम करना है क्योंकि सारी सब्जियों में पानी रहता है। ऊपर से कवर कर दीजिए, 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। साथ में अदरक हरी मिर्च और लहसुन का यूज करेंगे, तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को आपने बारीक काट लेना है या फिर आप कूट के भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने अदरक हरी मिर्च और लहसुन को काट लिया है। और इधर देखिए 3 से 4 मिनट तक साग को मैंने लो फ्लेम में यहाँ पे पका लिया था और साग पहले तो भरा कुकर था, अब देखिए पकने के बाद ना इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है। तो अच्छे से चना दाल के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्च भी ऐड कर देना है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का यूज आपने थोड़ा सा ज्यादा करना है, काफी अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और अदरक लहसुन हरी मिर्च और नमक को भी अच्छी तरह से साग के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसका जो बचा हुआ साग था ना वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। वैसे तो ज्यादातर जो साग बनाया जाता है मक्की के आटे बेसन का यूज किया जाता है पर जो चना दाल है ना इसके साथ भी बहुत ही जबरदस्त साग बनता है, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से कुकर को कवर कर दिया है। 1 बिसल आने के बाद आपने इसको 25 से 30 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देना है। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट तक साग को पका लिया है और ये देखिए सारा जो साग है जितने भी हमने इसमें सब्जी ऐड की है सारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने साग को 5 से 7 मिनट तक घोट लेना है, घोट के ही साग अच्छा बनता है, पीस के नहीं बनाना है आपने। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना साग अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिल जाता है। और जब आप साग को घोटेंगे गैस की फ्लेम आपने चालू रखनी है और एकदम लो फ्लेम में पकाना है आपने साग को। तो ये देखिए आप देख सकते हैं
यहाँ पे लगभग मैंने 5 से 7 मिनट साग को अच्छी तरह से घोट लिया है और जो साग है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और जब मैंने इसमें दाल वगैरह भी डाली थी वो भी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। तो इस तरह से साग को घोट के आप स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक फ्रिज में ठंडा करके। अब तड़का लगाने के लिए एक मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ में लहसुन काफी सारा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और 2 प्याज का यूज किया है। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची को मैंने देखिए बारीक काट लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे और ऑयल के साथ में आपने 1 बड़ा चम्मच देसी घी का ऐड करना है। आप प्योर देसी घी में भी साग को बना सकते हैं। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए 1 छोटा चम्मच आपने कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है, साथ में 2 आप इसमें तोड़ के लाल मिर्ची डाल दीजिए। आपने साथ में थोड़ी सी इसमें हींग ऐड करनी है, हींग से काफी अच्छा फ्लेवर आएगा साग में। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम में धनिया में थोड़ा सा कलर आने देना है, जैसे धनिया थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में आप अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। तो ये देखिए लहसुन में कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो प्याज को भी आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अदरक लहसुन का तड़का लगा के इसमें साग डाल सकते हैं। और ये देखिए प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें साग ऐड कर देना है, जो साग हमने घोट के रखा था। हम लोग क्या करते हैं रात को साग बना के तैयार कर लेते हैं और सुबह इसमें तड़का लगाते हैं, जितना इसको रेस्ट मिलता है ना उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब आपने 5 से 7 मिनट तक साग की ना बुनाई कर लेनी है, अच्छे से इसको भून लेना है ताकि जो इसमें हमने दाल वगैरह डाली है ना वो अच्छा टेस्ट है इसके अंदर। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक का और ऐड कर दिया है और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब पता कैसे चलेगा साग अच्छी तरह से भून चुका है, इसके बीच में ना बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका साग अच्छे से पक चुका है। अब इसके ऊपर ना एक तड़का लगाएंगे, आपने एक पैन लेना है, थोड़ा सा उसमें देसी घी डालिए, घी को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, 4 से 5 आपने हरी मिर्च लेनी है, बीच से काट के इनको मिर्चों को भी डाल देना घी में, हल्का सा घी के साथ मिर्चों को फ्राई कर लीजिए और इनका छौंक लगा दीजिए साग के ऊपर। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।